बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं जी आयां नूं, वेलकम करते हैं हैदरी प्रोडक्शन दे तरफो। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक और खैरियत नाल होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं कि हेड इस्लाम की सूरत हाल क्या है और हेड सुलेमान की और हेड गंडा सिंह की क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हेड इस्लाम में तकरीबन आज 20,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और तकरीबन जो नया पानी आया था वो पीछे की तरफ टूट गया है, एक बांध टूटा है। नए पानी आने की वजह से एक बांध टूटा है जो सौके के कुछ मुख्तलिफ़ इलाके हैं, कुछ मुख्तलिफ बस्ती हैं जिसमें पानी शामिल हो गया है और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो इसी वजह से आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं जो आप इतनी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी और इतनी मोहब्बत कर रहे हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, काफ़ी देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि पीछे काफ़ी सारे इलाके हैं जो पानी में मुबतला हो चुके हैं और एक बांध के टूटने की वजह से काफ़ी फसलें वगैरह डूब चुकी हैं और पानी जो है अब कोई पानी का ख़तरा नहीं है और कोई पानी नहीं आने वाला। फ़िलहाल तो जो पानी आया था वो पीछे की तरफ ही ज़ाया हो गया है और हेड इस्लाम में तकरीबन 20,000 पानी चल रहा है। तो काफ़ी इंतज़ाम किए जा चुके हैं हेड इस्लाम पे भी और हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमान की जो है तकरीबन काफ़ी बेहतर हाल सूरत हाल है और काफ़ी कम पानी चल रहा है और अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपको देते रहेंगे डेली न्यू अपडेट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप देखते रहें हमारा चैनल हैदरी प्रोडक्शन। थैंक यू।